हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं आपका दोस्त नागेश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्टअप विद एमन। जैसे कि हमने आरआरसी ग्रुप डी के सभी 17 पोस्ट के सैलरी स्लिप की एक सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम देखने वाले हैं असिस्टेंट वर्कशॉप के सैलरी स्लिप। अगर आपको वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमें दिख रहे हैं कि ये SCR यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे की ये सैलरी स्लिप है। यहाँ पर डिवीजन भी दिख रहा है, डिवीजन चक्रधरपुर डिवीजन यहाँ पर, और सैलरी आप ले ला मंथ अप्रैल 2023। यहाँ पर कर्मचारी का डिटेल्स है जो कि हाइड किया हुआ है, उसके बाद नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन। वे किस पद पर कार्यरत है तो यहाँ पर हमें दिख रहा है असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्कशॉप पर वे कार्यरत है। और वो किस डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर फिर डिपार्टमेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट। असिस्टेंट वर्कशॉप जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कार्यरत है। उसके बाद स्टेशन, यहाँ पर AII स्टेशन दिख रहा है, AII कोचिंग पे वो कार्यरत है। उसके बाद बेल यूनिट जो कि हायर किया है, और आधार नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर, और उसके बाद पे लेवल, वह किस लेवल पर कार्यरत है, तो हमें दिख रहा है कि लेवल 1 पर वे कार्यरत है। उसके बाद इंक्रीमेंट डेट, इनकी इंक्रीमेंट कब होने वाली है, अगली इंक्रीमेंट तो 1 जुलाई 2023 को इनकी इंक्रीमेंट होने वाली है। और मोबाइल नंबर, इसके बाद कार्यग्रहण तिथि यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इनकी ज्वाइनिंग कब हुई थी, तो 2018 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, 14/9/2018 को, इसलिए इनकी इंक्रीमेंट 1 जुलाई को आ रही है। अगर हमारी सर्विस 6 महीने हो गए हो तो हमारी जो इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी में लगने वाले। अगर 1 जनवरी तक हमारी सर्विस, हमारी सेवा अगर 6 महीने कंप्लीट हुए हो तो हमारी जो इंक्रीमेंट लगेगी वो 1 जनवरी को लगेगी। और अगर हमारी सर्विस 1 जुलाई तक 6 महीने कंप्लीट हो गए हो तो हमारी इंक्रीमेंट लगेगी 1 जुलाई तक, यानी कि 1 जनवरी और 1 जुलाई में इंक्रीमेंट लगती है, या तो 1 जुलाई में लगेगी या फिर 1 जनवरी में। उसके बाद यहाँ पर सब डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स, पैन नंबर, यहाँ पर डिटेल्स है जो कि हाइड किया हुआ है। उसके बाद हम समरी देखते हैं। 1/4/2023 LAP इनकी एक्सेस्ट है यानी कि लिव विद एवरेज पे, हाफ लिव विद एवरेज पे 20 पे। ड्यूटी डेज अप्रैल मई में टोटल 30 डेज रहता है, उन्होंने पूरे 30 डेज काम किया है। उसके बाद विदाउट पेज 0। ग्रॉस पे यहाँ पर हमें दिख रहा है, इनका जो ग्रॉस पे बना है वो बना है 41,313 रुपीज़, इनका ग्रॉस पे बना है। तो हम देखते हैं ये जो ग्रॉस पे बना है वो किन किन अलाउंसेस को अर्निंग के साथ बना है, तो हम पहले वो देखते हैं। तो इनका बेसिक पे है 21,100 रुपये, हमें दिख रहा है इनका बेसिक पे है 21,100, यानी कि इनके लगभग 4 या 5 इंक्रीमेंट लगी है। इनका जो जॉइनिंग हुआ था तो वो 18,000 पे थे, फर्स्ट इंक्रीमेंट 18,500, दूसरा इंक्रीमेंट 19,100, तीसरा इंक्रीमेंट 19,700, ऐसे लगता है इनकी 5 या 6 इंक्रीमेंट लगी है। उसके बाद देखते हैं डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस जो कि अब 42% हो गया है, वो 8,862 रुपीज़ इनका डियरनेस अलाउंस बना है। उसके बाद एरियर्स एंड डियरनेस अलाउंस, एरियर्स कितना है, तो एरियर्स क्या होता है, तो साल में 2 बार DA बढ़ता है, एक पहला बढ़ता है 1 जनवरी को, दूसरा बढ़ता है 1 जुलाई को, लेकिन डिक्लेयर होता है मार्च और सितंबर में कि जो DA है वो कितना बढ़ेगा, वो डिक्लेयर होगा एक मार्च और सितंबर में, और वो लागू होता है 1 अप्रैल और अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर और अप्रैल महीने की जो सैलरी आती है वो हमेशा ज़्यादा आती है, क्योंकि उसमें एरियर ऐड होता है, जो कि जो DA बढ़ा हुआ है उस बढ़ा हुआ DA का 3 महीने का, यानी कि जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, इस 3 महीने का जो बढ़ा हुआ DA है वो ऐड होगा अप्रैल मंथ में। उसी तरह जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ का जो बढ़ा हुआ DA है वो ऐड होगा अक्टूबर महीने में, इसलिए अक्टूबर और अप्रैल महीने की जो सैलरी आते हैं वो हमेशा ज़्यादा आते हैं। यानी कि एरियर का मतलब समझो ना, जो DA जो बढ़ा हुआ है वो ऐड होता है अप्रैल महीने में। उसके बाद देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस, इनको हाउस रेंट अलाउंस मिला है 3,798 रुपये।
उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना बना है, तो 1278 रुपये इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस बना है, और एरियाज इन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 108 रुपये एरियाज है इन ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसके बाद इंसेंटिव, इंसेंटिव इनका बना है 3635 रुपये। अब ये इंसेंटिव क्या होता है, अगर हम काम पूरे महीना भर बिना छुट्टी ले अगर हम काम करते रहे, यानी कि 30 डेज पूरे होते हैं एक महीने में, हफ्ते की एक एक छुट्टी हम माइनस कर दे तो 25 लगभग दिन काम करेंगे तो एक इंसेंटिव मिलता है। जैसे हमारा बेसिक बढ़ेगा वैसा इंसेंटिव भी बढ़ेगा, तो इनको इंसेंटिव मिला है 3635 रुपये। ऐसा कुल मिलाकर इनकी जो टोटल आय है, जो अर्निंग है, वो बनी है 41,313 रुपये। अब हम देखते हैं इनकी कटौतियाँ क्या क्या हुई, टोटल रिकवरीज क्या क्या हुई है। तो पहले तो रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम के तहत इनके 30 रुपीज़ कट हुए, जो कि हर महीने हर एम्प्लॉय के इंश्योरेंस के तहत 30 रुपये कट होते हैं। और उसके बाद एनपीएस टायर वन की तरफ से इनका 3,250 रुपये कट हुए, यानी कि 3,249 रुपीज़ इनके कट हुए। ऐसे कुल मिलाकर इनकी हम टोटल रिकवरीज देखें तो 3,279 रुपीज़, यानी कि 3,279 रुपीज़ इनके कट हुए। अगर हम शुद्ध वेतन यानी कि नेट पे की हम बात करें, तो इनका जो ग्रॉस पे है 41,313 माइनस रिकवरीज करें 3,279, तो जो इनका जो टोटल यानी कि नेट पे शुद्ध वेतन जो बनेगा वो बनेगा 38,034 रुपीज़। यानी कि पूरे 4-5 साल के सर्विस के बाद भी इनके जो आय है, जो शुद्ध वेतन है, जो नेट पे है, वो बना है 38,000। आई होप आपको ये असिस्टेंट वर्कशॉप के जो सैलरी स्लिप है वो समझ में आए हो। ऐसे ही जो अगले और भी पदों की हम सैलरी स्लिप लेके आएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सैलरी स्लिप के साथ। धन्यवाद।